शहरी इलाकों में जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला स्टोन का है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर मंडी है, वहीं पर कुछ युवकों द्वारा कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ये मन चले बुलेट चला रहे हैं, इनके साइलेंसर को निकालकर बुलेट से पटाखे बजा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को इन पटाखों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यह बाइक सवार इतनी तेज रफ्तार से जाते हैं कि सड़क पर चल रहे बुजुर्ग डर के मारे नीचे गिर जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में बाजार में लोग आते जाते रहे हैं। यही नहीं, सुबह शाम स्कूल के समय में भी ये बाइक सवार हेलीकॉप्टर की स्पीड में चलते नजर आते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल नजर आ रहा है। राज्यपाल प्रधान युवा प्रधान ने कहा कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई लगाम इन युवाओं पर नहीं कसी जा रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई पुलिस थाना है और ना ही पुलिस चौकी। यहाँ का इलाका राजवन पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद है, जिससे कि इन मनचलों पर लगाम लगाई जा सके। बाइकर्स की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर भारी क्षेत्र के लोग भी आते हैं और स्थानीय लोग भी है, स्थानीय युवा भी इसमें शामिल है, जो बाइक में इतनी स्पीड से चलते हैं कि रास्ते पर चलने वालों के, लूप में चलने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी किसी के बाइक में से तो जो है साइलेंसर भी निकले होते हैं, इतनी आवाज करके जाते हैं कि घरों में बैठना मुश्किल हो जाता है। कुछ बाइकर्स तो ऐसे हैं जो रात को 10 बजे तक घूमते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी भी प्रकार की लगाम नहीं है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है हमने कई बार पुलिस चौकी का खोलने का वो आवेदन किया था, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर पुलिस चौकी का खोलना एक बहुत ही जरूरी हो चुका है। स्टोन पंचायत प्रधान का कहना है कि यहां पर दिन प्रतिदिन ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। कई युवा बिना नंबर के बाइक पर आते हैं तथा ओवर स्पीड से गुजर जाते हैं, जिससे कि हादसों का माहौल बना रहता है। पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्होंने कई बार स्थानीय लोगों से गुहार भी की है कि कानून के नियमों का पालन किया जाए। खासकर स्टोन वासियों से निवेदन है कि जो हमारा बस स्टैंड से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए रोड बनाया हुआ है, उस पे कृपया करके आराम से मोटरसाइकिल हो या कार हो, आराम से धीरे चलाएं, क्योंकि यहाँ पर काफी आवाजाही है और यहाँ पर सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं। यहाँ पर बाहर से यंग ब्लड जो आता है वो तीन तीन सवारियों पे आता है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि रूल के मुताबिक, जो यातायात के नियम है उसके मुताबिक हेलमेट लगा के और मोटरसाइकिल पे ट्रिपल राइडिंग ना करें। वहीं जब इस बारे डीएसपी पोंटा साहिब सोमदत्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में आ गया है तथा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये मेरे ध्यान में आया है और मैंने स्पेशली चौकी इंचार्ज को डायरेक्शन देकर रखी हुई है और जो भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी।